अम्मी मैं कुछ हेल्प करवा दूं आपकी? मुझे तो मेहमानों की तरह बिठा दिया आप लोगों ने। मेहमान ही हो बेटे, ये लो तुम अपनी फेवरेट ब्राउनी खाओ, छोड़ो सब बातें, ये लो खाओ फूंक फूंक के। से अम्मी नहीं भाई, तो छा गए, कमाल ही कर दिया उन्होंने, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ही के नाम करके चले गए। मैं तो कहती हूँ आप लोग वहीं शिफ्ट हो जाओ, अच्छा है, कुछ नए लोगों से जान पहचान होगी, माहौल चेंज होगा और हो सकता है कि आप ही को कोई अच्छा रिश्ता ही मिल जाए वहां पर, है ना? क्या तुम गलत थोड़ी कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ ना? और करें मेरी बात, कब तक ये दूसरों की जिंदगियों पे नजर गाड़े बैठी रहेंगी? क्या मतलब है आयत? अम्मी एक मिनट, क्या बोला तुमने? नजरें गाड़ी रहूंगी, क्या मुराद है तुम्हारे इससे? अरे मेरा तो सिर्फ इतना ही मतलब है कि कब तक दूसरों की खुशियों से जलती रहेंगी आप? अम्मी के बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? इसलिए कह रही हूँ कि अम्मी की जिंदगी में अपने लिए कोई ढूंढ ले। आप ही सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं, मगन हैं, आपको भी चाहिए कोई फैसला करे अपने लिए, ऐसा ना हो। बस आयत, तुम अपने मियां और अपने ससुराल वालों पे ध्यान दो, मेरी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो बुरा मान रही? बस मेरी बात खत्म नहीं हुई आयत, जिंदगी में अगर मुझे कभी मदद की जरूरत हुई ना तो तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। बात बात पर उड़ जाती है मुझसे, मुझे तो लगता है इन्हें मेरा इस घर में आना ही पसंद नहीं है।